एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित सलेमपुर सरार उर्फ हाजीपुर गांव पहुंचा। लगभग 2800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान अनिस अहमद के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 451 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 300 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 37 सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 450 मीटर सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, खडंजा, कब्रिस्तान की बाउंड्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 आवासों के भी निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान हूँ सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर का रहने वाला हूँ। जो भी विकास आर्या साहब उसे हम पूरा करा रहे हैं। हमने 3-4 सड़कें भी करा दी और 3 आवास भी दे दिए। अब जितना पीछे से आ रहा इतना ही हम कराते चले जा रहे हैं हाथों हाथ, मगर अभी शौचालय कोई नहीं आया। और जैसे ही आएंगे उन्हें भी हम जल्दी काम कराएंगे। गांव में गंदगी ज़्यादा है और कोई सफाई करने हमारे गांव में नहीं आया बहुत काफ़ी टाइम से। जैसे ही आवे अधिकारी उसका ट्रांसफ़र कर दें, हम परेशान रहे। मैं 10 दिन काम करा, 15 दिन काम करा, उसके बाद में भाग जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो भी जैसे विकास आ रहा हम उसे पूरा करा रहे हैं साहब। आप आके देख लो।